मैं पूरा जीवन भर संघर्ष ही किया हूँ। झारखंड आंदोलन में मुझे लगता है कि पूरा बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था से पूरा इस अवस्था तक मैं संघर्ष में ही हूँ, और उस संघर्ष के दिनों को मैंने देखा है। और मैं घर आपस हुआ हूँ, हम धन्यवाद देते हैं हेमंत सोरेन जी को जिन्होंने मुझे अपने साथ काम करने के अवसर प्रदान किया। आंसू से मोह भंग होने की वजह? नहीं, मुझे किसी से कहीं कोई मोह भंग नहीं हुआ। राज्य की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन को थामा हूं। कोई बातचीत हुई टिकट को लेकर? ये तो टिकट और कौन चुनाव किस विधानसभा में लड़ेगा, ये तो पार्टी के नेता तय करते हैं। पार्टी के नेता जो हमें जिम्मेवारी देंगे पार्टी में काम करने का, हम करेंगे। आपने कहा कि आप हेमंत जी के कंधे को मजबूत करने आए हैं, सही बात है। मैं 1979 से 80 के दशक से झारखंड आंदोलन में काम किया हूँ, जिसमें शिव सोरेन जी के साथ, विनोद बिहारी महतो जी के साथ, टी के राय जी के साथ, और झारखंड आंदोलन को मैंने गति देने में कहीं कोई कमी नहीं। और आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर आया हूँ तो हेमंत सोरेन जी के कंधे को मजबूत करने के लिए आया हूँ। इस राज्य की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ, इस परिस्थिति को मैंने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इस राज्य को अगर बचाना है तो हेमंत सोरेन जी के कंधे को मजबूत करना है। लेकिन आज थोड़ी तकलीफ तो हो रही होगी ना, आंसू छोड़ दिया आपने तो। राज्य को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम आंदोलनकारी का है।